नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आज की मुख्य खबरों की ओर नजर डालने से पहले चलिए रुक करते हैं उनकी हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की शिंजो आबे के स्वस्थ होने की कामना। अब्दुल आजम से लगातार दूसरे दिन हुई लंबी पूछताछ। यूपी में होगा बड़ा सियासी उलटफेर। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का पहला रोड मैप आज होगा तैयार। पहाड़ों से मैदानी इलाके तक झमाझम बारिश। कोर्स पूरा हुआ नहीं, जारी कर दिया परीक्षा कार्यक्रम। लीजिए बूस्टर डोज, वायरस पास भी नहीं फटेगा। एम्स से सामने आई लालू की तस्वीर। पायल रोहतगी ने होने वाले दूल्हे मियां संग्राम सिंह संग शेयर की तस्वीर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से किया। अब खबरें विस्तार से। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हुए हमले ने देश दुनिया को चौंका दिया। लगभग हर देश इस हमले की निंदा कर रहा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने शिंजो आबे के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। प्रवर्तन निदेशालय ने सपा विधायक व आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम से लगातार दूसरे दिन बृहस्पतिवार को लंबी पूछताछ। अब्दुल्ला से उनकी आय के स्रोत के बारे में सवाल किए गए और बैंक खातों से लेन देन संबंधित जानकारी भी मांगी। सपा और सुभासपा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मनमुटाव अब सामने आ गया है। सियासी गलियारों में अपने बेबाक अंदाज के लिए प्रसिद्ध ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। इसके साथ ही उनके बयान के सियासी गलियारों में कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। सपा और सुभासपा के बीच चल रही आंतरिक रार अब दीवार बनती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा के पहले रोड मैप पर शुक्रवार को मंथन किया जाएगा। पार्टी प्रदेश मुख्यालय में होने वाली प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में लोकसभा चुनाव में मिशन 75 को पूरा करने के लिए आगामी कार्यक्रम और अभियान तय किए जाएंगे। देशभर में छाए मानसून से कहीं झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया तो कहीं वज्रपात, भूस्खलन और बाढ़ जैसी कुदरती आफत को कहर चुका है। 20 से ज्यादा राज्यों में बीते 24 घंटे में बारिश हुई। गुजरात, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में भारी बारिश से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लखनऊ विश्वविद्यालय व संयुक्त महाविद्यालय के छात्रों में बिना कोर्स पूरा किए ही बीए, बीएससी, बीकॉम की परीक्षाएं आयोजित करने के निर्णय से काफी नाराजगी है। इसे लेकर छात्रों ने ट्विटर पर अभियान छेड़ रखा है। इसमें वह विश्वविद्यालय प्रशासन के मनमाने व अदूरदर्शी निर्णय पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं स्थगित नहीं की गई तो आंदोलन होगा। कोरोना संक्रमण से बचाव की जंग में टीके को अहम हथियार माना जा रहा। बीते 2 साल से देश भर में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। विशेषज्ञों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क व शारीरिक दूरी के साथ साथ टीके को भी महत्वपूर्ण बताया है। राजद अध्यक्ष लालू यादव की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। उन्हें जल्द ही सीसीयू से निजी वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि लालू यादव के कंधे और जांघ में मामूली फ्रैक्चर आया था। इस कारण उन्हें किसी भी प्रकार की सर्जरी की जरूरत नहीं। 3 से 4 दिन में लालू यादव को पैरों पर चलाने का प्रयास भी किया जाएगा। टेलीविजन से लेकर फिल्मों तक में नाम कमा चुकी अभिनेत्री पायल रोहतगी अपने सोलमेट लव पहलवान संग्राम सिंह की दुल्हनिया बनने वाली है। जानकारी के मुताबिक दोनों 9 जुलाई को आगरा में साथ फेरे लेंगे। पायल सोशल मीडिया पर लगातार प्री वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने कहा कि कुर्बानी करना वाजिब है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि कुर्बानी करने में ऐसा काम ना करें जिससे किसी की भावनाओं को ढेर पहुंचे और अमन व भाईचारे को नुकसान के साथ ही गंदगी फैले। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।